बोलिए सतगुरुदेव की जय। काग पलट हंसा कर दीना, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। क्या मामला है? काग पलट हंसा कर दीना, करत न लागी बैर। आपको मैंने एक उदाहरण दिया था पारस का, पारस पत्थर लोहे को स्वर्ण बनाता है। क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है! ये किंवदंतियां नहीं है, गुरु पारस है। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, पारस सूरत संत के पासा। पारस सूरत ये कहां से आ गई? पारस सूरत पूर्ण गुरु का महात्म क्या है? कौन है पूर्ण गुरु? आखिर गुरु की इतनी वडियाई, ग्रंथ साहब में भी देखे, नानक देव जी ने गुरु की बहुत बड़ी वडियाई कही है, वेदों में भी, और संतों की धारा में तो गुरु को बहुत ऊंचा दर्जा दिया। साहब की वाणी में भी ऐसी क्या चीज है उनके पास? अलख पुरुष की आरसी संतन केरी देह, अलख पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अर्थात बड़ी बारीक बात साहब बोल रहे हैं पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान। इन्हीं साहब के सभी दोहों और शब्दों को नाना मत मतांतरों ने रूपांतरित करके अपनी दुकान चलाई हुई है। अगर उन्हें खंगालोगे, टटोलोगे, तो उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय नकल के। यहां मैं विरोधात्मक बात नहीं कर रहा, वास्तविक बात कर रहा हूं। आखिर कहां से आई ये पारस सूरत? साहब ने भी गुरु और संतों की बहुत बड़ी महिमा कही। पारस सूरत संत के पास आ। आपको मैंने एक उदाहरण भी दिया है भृंगे का, 27 लाख किरम कोटि में, कीट योनि में हीरो हैं भृंगा। क्या गजब सृष्टि है उसकी! उसकी फीमेल नहीं है, वो मेल है, मेल ओनली। पर वंश कैसे चलाता है, क्या बात है उसकी! शब्द के द्वारा किसी भी लार्वे को पकड़ता है, अपनी आवाज से उसको बदल देता है। अब देखिए इसका मतलब है, वो भूंग आपने देखा होगा, वो भृंगा मकोड़े से थोड़ा बड़ा होता है, काले जो चीटे होते हैं उनमें क्या अंतर है? आधा हिस्सा उनका कत्थई कलर का है, आधा ब्लैक होता है, पर जल्दी नहीं मिलता है। और उड़ान कैसे है? अगर यहाँ से वो 25 फीट उड़ा, रास्ते में नहीं दिखेगा, जहाँ से उड़ा उड़ान भरते दिखेगा, जहाँ पहुँचा वहाँ दिखेगा, बीच का रास्ता बहुत तेज है। साहब ने भृंगे पर बहुत बात की है। वो भृंगा क्या करता है? 27 लाख किस्म के कृम कोटि है, किसी के भी लार्वे को पकड़ लेता है और अपनी आवाज से उसको बदलता है। आप थोड़ा विचार करना, यानी आवाज में बड़ी ताकत है। मैंने 2 दिन पहले भी एक बात कही थी कि अध्यात्म शक्तियों का आवर्तन परावर्तन 3 तरह से होता है। सबसे पहला दृष्टि से, दूसरा शब्द से,
शब्द को आप समझिए, इन्हीं शब्दों आपके अंदर सेट होते हैं, ये शब्द आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन लाते हैं। जो कुछ आपने सीखा उसका तंत्र और सूत्र ही शब्द है, उसके शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। मैंने सिकंदर का भी उदाहरण दिया था, वो अपने शब्द से उसका वर्ण बदल देता है। कीट पलट भृंगा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। तो साउंड से बहुत चीजें आ जाती है। तीसरा सुपर्श से, सुपर्श का मैंने एग्जांपल दिया था, चंदन का पेड़ सुपर्श से किसी भी पेड़ को चंदन बना देता है, पर बांस को नहीं बना पाता है। गोस्वामी जी ने बांस पर एक बात कही है, फूले फले न बैत, बैत बांस को ही कहते हैं, जो बरसे सुधा जलधि, अगर अमृत वर्षा भी हो। फूले फले न बैत, जो बरसे सुधा जलधि, पानी की जगह अमृत भी अगर बरसे तभी भी वो फूलता फलता नहीं है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रंच सम, मूर्ख का हृदय इस तरह मांस की तरह है, उसमें बीच में खाल है, इसलिए उसको चंदन अपने समान नहीं बना पाता है। पर टेक्नोलॉजी क्या है जबरदस्त, वो केवल अपने स्पर्श से किसी भी पेड़ को अपनी तरह बना देता है। चंदन पर भी काफी शब्द लिखे हैं ग्रंथों में, वाणियों में, ये किंवदंती नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये ऐसा वाक्य नहीं है, ये यथार्थ है। तो बंधुओं, इस तरह दूसरा स्पर्श से, इस तरह गुरु दीक्षा के समय शीश पर जो हाथ रखता है वो भी एक शक्ति को ट्रांसमिट करता है, और एक शब्द अपने कान मुंह से जब बोलता है वो मिलकर वो सब चीजें और कंसंट्रेट होता है। क्या करता है, तभी तो साहब करें पारस में और संत में, तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। पारस तो लोहे को सिर्फ सोना बना सकता है, पारस नहीं, पर संत अपने समान कर दे। यही बात साहब कह रहे हूं, करूं निज सम कहां मैं, यानी जो गुरुमुख है साहब कह रहे हैं उनको मैं निज सम अपने समान कर देता हूं, अपनी तरह बना देता हूं। क्या बात है, करूं निज सम ओह मैं। इसलिए महापुरुषों से लोग शब्द लेने जा रहे हैं। मैंने परसों शब्द पर भी बात की थी कि शब्दों में कितनी ताकत होती है, और मैंने बाइबल का भी एग्जांपल दिया था, नानक देव जी के शब्दों का भी और साहब के भी, कि शब्द थे रचो संसारा, शब्द थे सुतन आकारा। तो इस तरह ये तीन चीजें उसके पास गुरु सिकली कर कीजिए, जो मन है मस्कला दे। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए, मोर्चा कहते हैं जंग को, मोर्चा कहते हैं गंदगी को, पल में धो देता है। हाँ, यानी बाकी कर्मों पर भी मैंने काफी बातचीत की है, ऐसे नहीं कटेंगे, कर्मगत टारे ना है टरी। इस पर भी साहब ने एंड में क्या कहा, उन्होंने एग्जांपल दिया अपना, हरिश्चंद्र का दिया, कई और एग्जांपल दिए, राजा मृग का दिया, कोटि गौ मृग रान करत नित गिरकिट योन पड़ी, वासुदेव कृष्ण जी का एग्जांपल दिया। पर साहब क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कर्मगत चारे नाय कटी तरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। आगे क्या बोल रहे हैं पता है, पूरी व्याख्या देने के बाद एक शब्द बोल रहे हैं,
कोटि, एक नहीं कोटि कर्म, कोटि पल में कटे जब आवे सदगुरु ओट, यानी हृदय शुद्ध कर देता है। उसका सूत्र यही है, हृदय शुद्ध कर देता है। जो कीट भृंगा बन गया उसका वर्ण तो बदल हो जाता है, बदल जाता है, आकृति तो बदलती है, नेचर भी बदल जाता है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। इस्लाम में एक मान्यता है, मुस्लिम कहते हैं खुदा धरती पर कभी नहीं आया न कभी आएगा। अरे ये बात तो हमारे धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं, वो अडोल, अबोल, अविचल, न किसी के आवर्तन से आएगा न परावर्तन से जाएगा। ज्यों का त्यों स्थिर, न जन्मता है न मरता है, नित्य, न घटता है न बढ़ता है। इसलिए वो अपनी ताकत समाहित करता है संत में, अपनी शक्ति से पहले किसी को अपने में खींचता है, वो ताकत उसमें समाहित करता है। यहां साहब का शब्द बड़ा सटीक है, अलख पुरुष की आरसी, आरसी दर्पण को कहते हैं, अलख पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलख को, लखने का मतलब देखना, इन्हीं में लख ले। इस तरह काग पलट हंसा कर देना, कौए को पलट कर हंसा बनाया, सिर्फ कौए की आकृति नहीं बदली, वृत्ति भी बदल दी, आकृति तो बदली वृत्ति भी बदल दी, वाह, ये वास्तविकता है। जब मैं था तो गुरु नहीं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे द्विन समाए। इस तरह वो ताकत एक पूर्ण गुरु में, ये सदगुरु का संबोधन और उच्चारण साहब ने किया। पहले सदगुरु नहीं था, कहीं भी नहीं है, गुरु था। शास्त्रों का अध्ययन करो तो गुरु की महिमा तो वेदों ने भी की है, पर गुरु की महिमा सरगुण निर्गुण में राष्ट्रपति जैसी, उसकी शक्तियां गौण है। अगर राष्ट्रपति को कोई भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो प्रधानमंत्री को ही बोलता है। गुरु की शक्ति तो है, लेकिन गुरु की शक्ति गौण है, और हमें शास्त्रों से मिलता भी है। गुरु चेलों में वहां युद्ध भी होती थी, कई चीजें मिलती है। लेकिन संतत्व की धारा में तो कह रहे हैं गुरु गूंगे गुरु मावरे, गुरु की शरणी जाए, जो गुरु भेजे नरक में तो रखिए स्वर्ग की आस। बहुत बड़ी महिमा कह दी पलटू साहब। तो यहां तक कह रहे हैं साहेब की दरबार में करता सभी संत, करता सभी संत हुक्म में उनके साहेब, हाँ उनके हुक्म में। आगे अपने शब्द में क्या बोल रहे, 33 कोटि देव संत से सभी डरते, पलटू संत को पूजिए दूजा पूजने को। दरअसल अलग बात है, संतत्व की संत परिभाषा लोगों ने बदल दी, संतत्व की परिभाषा लोगों ने बदल दी है। भाई देखिए ये डिग्री अलग है, ये डिग्री अलग है। यहां तथा कथित कुछ कथावाचक है जो अपने नाम के पीछे शास्त्री लिखते हैं, उनको ये पता नहीं है शास्त्री एक एजुकेशनल डिग्री है, इक्वल टू ग्रेजुएशन होती है साहित्य से। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने शास्त्री की थी, ऐसे ही ज्ञानी एक डिग्री है। ये गुरु नानक
यूनिवर्सिटी पंजाब से डिग्री है, मौलवी भी एक डिग्री है, पादरी भी एक डिग्री है, लेकिन चलता है अभी सब इस तरह। योगेश्वर है, योगी है, योगिराधिराज है, और मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, आचार्य है, ये उपाधियां हैं, लेकिन संतत्व की धारा अलग है इनसे। अभी लोगों ने उसको मिक्स कर दिया, लोगों ने मिक्स कर दिया। साहब ने इस पर एक बड़ा कठिन शब्द बोल दिया, सिंहों के नहीं लेहड़े, शेरों के लेहड़े सुअरी की तरह नहीं बच्चे हो जाते इतने, हंसों की नहीं पात, सिंगों के नहीं लेहड़े, लालों के नहीं थाल, लाल जो है दुर्लभ है, और हंसों की नहीं पात, संत ने चले जमात, संतों की जमात नहीं होती है, दुर्लभ है संत दर्श दुर्लभ जग माई। पर आज ऐसी ट्रेडिशन है जो भी कपड़ा पहन लिया वो संत हो गया, हकीकत ये नहीं है। तो पलटू साहब क्या कह रहे हैं, 33 कोटि देव संत से सभी डरते, हुआ है ये मनुष्य इस कर्म भूमि पर दुर्लभ उपलब्धियां प्राप्त किया है, जिससे देवलोक भी उसे भयभीत हुआ है। तो संत तो सीमा धन अंत में, उस अनंत में जो मिल जाता है वो संत है। जैसे ब्रह्मवेता है ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्म को जानने वाला, इसी तरह से संतत्व की उपाधि, पहले संत शब्द आपको कहीं मिलेगा नहीं। और हाँ क्या था फिर, ऋषि थे, मुनि थे, अन्य अन्य चीज़ें थी। तो साहब ने संतत्व की धारा को, पलटू साहब अब संत की महिमा को इतनी अनंत कह रहे, विवेक साहब भी कह रहे, विवेक ही संत बसे जय देश, धन्य वह गाँव ठाम वह नगरी, अग्न रहे लवलेश। तो इस तरह से संतों की महिमा गोस्वामी जी ने भी की है, शेष शारद भी उनकी महिमा नहीं गा पा रहे, वजह है इसमें गहन तथ्य है, इसमें गहन तथ्य है, इसकी एक पृष्ठभूमि है, उनके पास वो अद्भुत ताकत आ जाती है। क्या ताकत आ जाती है, इसकी व्याख्या भी साहब ने दी है, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। वाह, होता क्या है, जैसे आत्मा चलान का बीड़ा चलान करती है सतलोक की तरफ, सब चीजें धीरे धीरे छूटती जाती है, और ये आत्मा उज्ज्वल होती जाती है वहां। उसके बाद शून्य से महाशून्य को क्रॉस करती है, यहां तक मन होता है, फिर सूरत सागर में आत्मा जब समाती है तो मन छूट जाता है, इतनी दूर तक चलता है, इतनी बारीकी से जीव को जकड़ा हुआ है, इतनी बारीकी से जीव को जकड़ा हुआ है मन ने, वहां मन छूटता है। पुरुष ने दर्श जब हंस को दीनिया, वहां जाकर के उसमें जब समाता है तो क्या हो जाता है, साहब कह रहे हैं पारसुरत क्यों उनके पास होती है वो भी समझिए। इसलिए ये दुनिया पूरा गुरु पूरे गुरु का ढंडोरा पीट रही है, उनको पूरे गुरु का अर्थ ही नहीं बतला है। अब साहब ने यहां भी व्यंग किया, गुरुआ बड़े लबार है ठाव ठाव बट मार। कबीर साहब बहुत बारीकी में बोल के, उनको भय ही नहीं था किसी से, विदेह थे। तो अब यहां साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, करूं निज सम तोह मैं ताह मैं, बुलाए धर्मराज उसको अपने समान बना देता हूं।
करूं निज समत ताह मैं, उसको अपनी तरह बना देता हूं। और फिर शब्दों में आ भी रहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। यहां से राजदूत अगर किसी देश में भेजते हैं तो अधिकार सहित होता है, राजदूत की कही हुई बात उस देश की बात मानी जाती है। पलटू साहब ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, साहब की दरबार में कर्ता केवल संत, साहब की दरबार में कर्ता केवल संत। हुक्म में उनके साहब, हाँ क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये भी मेरे शब्द नहीं है, कर्ता केवल संत, साहब की दरबार में कर्ता केवल संत, हुक्म में उनके साहब, हाँ वो परम सत्ता भी उनके हुक्म में है। इसकी पुष्टि साहब भी वाणी में कह रहे हैं, अलख पुरुष की आरसी संतन केरी देह, अलख पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अर्थात संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में यूं रहूं रमूं, जस गोरस में घी, जैसे दूध में घी है ऐसे रह रहा हूं। साहब ने इन तथ्यों को इतनी बारीकी से वर्णन किया और क्या कह रहे हैं अपने शब्द में, चार माह जिम बरसे मेहा, चार महीने बरसात लगातार जो हो, जितनी बूंदे हैं, चार माह जिम बरसे मेहा एतत शब्द कथा विदेहा, इतना कुछ मैं बोल लिया हूं श्लोक के लिए, साहब बोल रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, ना कुछ कहा ना बाकी रखा, आगे क्या मुंह को रहे हैं साहब, का कहूं कुछ कहबे नहीं, जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है। अर्थात कहे कबीर ये अकत कहानी, तो वो शक्ति ट्रांसमिट हो जाती है उसमें, ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे आप देखो बालक के अंदर माँ बाप के गुण आ गए, शक्ल आ गई, वृत्ति आ गई, क्यों, उनके ही रक्त से ही बीज बना, रक्त से ही रज बना, इसलिए नाक नक्शा भी उनका जैसा हो जाता है। क्या कमाल है, अगर जो गुण दूध में है ना, उससे बने पदार्थों में आ जाएगा। जिसको दूध हजम नहीं होता है, उसको दूध के बने पदार्थ भी हजम नहीं होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ बर्फी बनते, वो बर्फी लोग विदेशों में भी बर्फी का डिमांड होता है। एक आईजी साहब है, वो उनका बेटा अमेरिका में है, जब आप विचार करना तो वो आते हैं आईजी साहब, तो कहते हैं मेरा बेटा मुझे कहता है पिताजी बर्फी जरूर ले आना। वो वजह ये है, पशुओं को ऑर्गेनिक खाद से जो उपज हुई, अपना चारा हुआ, बरसीन हुआ, वो होती है और बर्फी बन जाती है वो मैनुअल लकड़ी पर। लकड़ी का स्वाद अलग है, मुझे ध्यान है, जैसी लकड़ी का भोजन बनाओगे स्वाद उसमें वो होगा। आप अगर, मैं आपको बताता हूँ, आर्मी में ये एलपीजी गैस 1988 में आई है, तो पहले जब दो दिन चार दिन उससे भोजन बना हम नहीं खा पाए, गैस की उसमें बदबू आती थी, धीरे धीरे आदत बन गई, बस आदत की बात है, आदत बन गई फिर खाने लगे। ये कह रहा हूँ कोयले से बने भोजन का अलग स्वाद होगा, स्टोव पर बने भोजन का अलग स्वाद होगा, और लकड़ियाँ भी अलग अलग है। यहाँ एक वर्ग है हिमाचल में, यहाँ
वो एक चुनिंदा लकड़ी लाते हैं भोजन बनाने के लिए, चुनिंदा लकड़ी लाते हैं, उससे भोजन जो बनता है वो स्वादिष्ट हो जाता है। मेरे कहने का ये भाव है और पात्र का भी असर पड़ेगा। उदाहरण देता हूँ, कभी तांबे के कुन्ने में या मिट्टी के कुन्ने में आप दाल बना कर देखना क्या उसका स्वाद है। बहुत पुरानी बात है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली में एक जनता होटल था। क्या बात थी, वो सिर्फ दाल और रोटी देता था। उसकी दाल इतनी फेमस थी कि आप हैरान हो जाएंगे खा करके। बहुत सफाई भी थी, बाकी कुछ नहीं, नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं रखता था। हमारे यहाँ का भोजन भी लाजवाब है। वजह ये, तांबे के बर्तन में पके हुए भोजन का स्वाद अलग होता है, लोहे के बर्तन में बने हुए अलग होता है, मिट्टी का बना हुआ है अलग होता है। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उस सत्ता में वो मिल जाते हैं ना, तब फिर बात ही अलग हो जाती है। अलग पुरुष की आरसी संतन के री देह, लखा जो चाहे अलग को उन्हें ही में लख ले, वो शक्तियाँ उनमें समाहित होती है और वो आप में ट्रांसमिट कर देते हैं। सीपी के अंदर एक गुण है, वो पानी की बूंद को मोती में परिवर्तित करती है। इसलिए गुरु का ध्यान इतना महातम बोला गया। श्री गुरु पदनख गणमण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। उनके सुमरण मात्र से, गुरु के सुमरण मात्र से, पर श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। गुरु के और भक्ति का धातु और तत्व यही है, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास। यहां साहब यही कह रहे हैं, यही शक्तियां जब नामदान के अंदर ट्रांसमिट करता है गुरु, उसकी ताकत से ये महा चलेगा। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। पुरुष शक्ति सुन खोडा शाही, खोडा 16 को कहते। मैंने एक बात का उल्लेख कई बार बोला, मैं 3 साल संस्कृत पढ़ा हूं। पुरुष शक्ति खोडश आई, शक्ति संग जीव लोक कह जाई। उसी शक्ति के द्वारा वो लोक में जाएगा। बिन शक्ति नहीं पंच चलाई, शक्तिहीन जीव हो भरमाई। दीपक में गुण है, अंधकार को मिटा देता है। इस तरह वो शक्तियां हृदय के अंधकार को मिटाने में सहायक है। जैसे आदमी मरणासन पर है, मरणासन को आजकल कामा भी बोलते हैं, उसी कामा का प्रायवाची शब्द हिंदी में शब्द है मरणासन। कहते भाई कोमा में है, आईसीयू में है और लाइफ सपोर्ट पर है। लाइफ सपोर्ट पर है इसका मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा है, कृत्रिम सांस द्वारा उसको ताकत दे रहे। तो क्या कर रहे हैं उसको, पहले तो कृत्रिम सांस दे रहे, फिर शक्तिवर्धक दवाएं भी दे रहे हैं जो कोमा में है, इंजेक्ट कर रहे हैं इंजेक्शन द्वारा उसके शरीर के अंदर। तो धीरे धीरे कामा से लोग उठ जाते हैं। फिर इस तरह ये जीवात्मा एक कामा में है, गुरु एक आंतरिक ऊर्जा देता है, उस ऊर्जा के द्वारा ये पुनर्जीवित हो जाता है। तभी तो कह रहे हैं जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरिता में दुई नस्मा। पुरुष शक्ति सुन खोडशाही। अब साहब कह रहे हैं 16 शक्तियां आ जाती है नाम के बाद, ज्ञान विवेक सत्य संतोषा। ज्ञान विवेक सत्य संतोषा कह रहे हैं, ज्ञान विवेक सत्य संतोषा। प्रेम भाव धीरज निर्घोषा, प्रेम धीरज निर्घोषता। दया क्षमा और शील निष्कर्मा निष्कामता। त्याग वैराग्य शांति निधर्म, करुणा कर्ण जीव उबारे, मित्र समान सब कुछ चित्र। इन मिल रहे लोक विश्रामा, चले पंथ निरखे जेना। गुरु सेवा गुरुपद प्रतीति, जय और बसे चले जमजीती। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, गुरु सेवा गुरुपद प्रतीति, प्रतीत कहते हैं विश्वास को। देखिए विश्वास सेवा और प्रेम ये आकर समाती है। तो ये क्रोध वगैरह हैं, जितनी अन्य चीजें हैं ये शरीर से इनकी ताकत नहीं चलती,
ताकत कैसे खत्म होती है? अंधकार की एक ताकत है, अंधकार से ही अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान से ही संशय, संशय से ही दुख उत्पन्न होता है। लेकिन प्रकाश हुआ तो सब चीज खत्म हो जाती है। इस दिल को हृदय को गुरबिन हृदय शुद्ध ना होई, गुरबिन हृदय शुद्ध ना होई कोटिन भांत करे जो कोई, तो वो शक्तियां समाहित कर देता है गुरु। इसलिए इतनी बड़ी यही प्रक्रिया नामदान कहलाती है। अगर ऐसा कोई नाम है तो फिर तो दुनिया सब नाम जप रही है। साहब ने यहाँ सचेतक शब्द कहा, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। अब उसके लिए क्या करें? सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न शर्मा, सार शब्द सदगुरु के पास आओ। अब कह रहे हैं वो सार शब्द बिन सदगुरु नहीं पावे, अगर वो पोथियों में होता तो सब तो पढ़ रहे हैं ना, फिर तो दुनिया कभी की पार थी। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ना जाना। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं लिख रहे, ब्रह्म राम थे नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महेश जी जान, नाम के रे प्रताप थे भय आन के आन। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।